और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्वमुखी भवन की विभिन्न स्थितियों में भवन निर्माण करवाते समय शुभ और अशुभ परिणामों के बारे में। किसी भी दिशा में भवन बनवाते समय उसके शुभ और अशुभ परिणामों के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। भवन की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और अशुभता से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम सबसे पहले पूर्वमुखी भवन की शुभता हेतु अपनाए जाने के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पूर्वमुखी भवन में पूर्व और उत्तर दिशाओं में खाली स्थान हो तो भवन स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ की दृष्टि से बड़ा ही हितकारी होता है। अतः पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशाओं में खाली स्थान जरूर छोड़ना चाहिए। पूर्व दिशा में लकड़ी से संबंधित काम कराना चाहिए। ऐसा करने से धन और वंश के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूर्वमुखी भवन की विभिन्न स्थितियों में भवन निर्माण करवाते समय शुभ अशुभ परिणामों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।